तो जैसे कि आपने आगे देख लिया होगा कि आज हम किस तरह के वीडियो एडिटिंग करने वाले, तो आपने इस तरह का वीडियो इंस्टाग्राम पे देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो अभी देख लिया ना भाई। तो इस वीडियो में बहुत अच्छे खासे व्यूज है, और अगर आप इस तरह का वीडियो एडिट करके इंस्टाग्राम पे डालोगे तो आपका भी वीडियो वायरल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस तरह का वीडियो आप कैसे एडिट कर सकते हैं, तो अभी चलिए आपको आपका भाई आके दिखाता है। तो अभी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। इस तरह के वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए आपको वीएन ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको वीएन ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको ये जो प्लस वाला आइकन है वहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, और उसके बाद हमने जिस वीडियो को यहाँ पे शूट किया था उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो वीडियो को आपको यहाँ पे ऐसे शूट करना है जैसे कि आप यहाँ पे मरे पड़े हो। आपको वीडियो को लेट के आपको वीडियो को शूट करना है, और जब आप वीडियो को शूट करो तो आपको वीडियो को स्टेबल रखना है और किसी स्टैंड पे लगा के आपको इस तरह का वीडियो शूट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए इस वीडियो पे इस तरह का वीडियो एडिट करके सिखाऊंगा। तो इस तरह से आप उस तरह का वीडियो एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस वीडियो को ओपन कर लिया, तो आपको थोड़ा यहाँ बीच में से इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको आगे वाले वीडियो को डिलीट कर लेना, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो बड़ी साइज है उसको बड़ी साइज कर लेना, और यहाँ पे इस वीडियो को फ्यूज कर लेना, और यहाँ पे आपको इसका आगे से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पे बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकॉन में जाना है, और यहाँ पे हमने जिस इमेज का स्क्रीनशॉट लिया है उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसको बड़ा कर लेना। तो बड़ा कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे फॉरवर्ड पे जाना है। फॉरवर्ड पे जाओगे तो आपका ये वीडियो ऊपर की साइड आ जाएगा। तो उसके बाद ये जो ओरिजिनल वाला है उसको हम सबसे पहले 9.60 कर लेते हैं, जो कि हमारा रील्स का साइज है। तो उसके बाद हम इस इमेज को भी यहाँ पे जो फिट वाला ऑप्शन है वहाँ पे को टैप करें। जब आप यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ पे ये हमारा इमेजेस यहाँ पे पूरी तरह से फिट हो जाएगा। तो उसके बाद हमें इस वीडियो को यहाँ पे थोड़ा आगे ला देना है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो म्यूजिक ऑप्शन है वहाँ पे ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद म्यूजिक पे जाना है, और एक्सट्रा फ्रॉम वीडियो पे जाना है, और हमने जो वीडियो को इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया था उसको आपको यहाँ पे डन करना है। और डन करने के बाद न्यू एल्बम पे जाना है, और आपको वापस से न्यू एल्बम पे जाना है, और यहाँ पे जो यूज नाउ का ऑप्शन है वहाँ पे आपको टैप करना है। तो हमारा इस तरह से साउंड इस वीडियो पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको म्यूजिक के हिसाब से यहाँ पे वीडियो को एडिट करना है। तो हमारा वीडियो है 6.20 सेकंड का, तो हम इस वीडियो को थोड़ा आगे कर लेंगे। तो उसके बाद आपको वीडियो पे टैप करना है। टैप करने के बाद ये जो ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन है वहाँ पे आपको जाना है, और जाने के बाद इसकी कैपेसिटी को हम थोड़ा कम कर लेंगे। तो हम इसको 30% रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा सॉल यहाँ से अलग हो रहा है। तो आप इसी तरह से इस तरह का वीडियो एकदम इजी स्टेप में बना सकते हो, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जब आप इस तरह का वीडियो लेट के बनाओगे तो वीडियो एकदम परफेक्ट दिखेगा। तो इस तरह से आप इस तरह का वीडियो एडिट कर सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो भी चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।